शिक्षण, दूसरों को सुख देना, ये हिंदू संस्कृति है, एक श्रद्धा के लक्षण है। ये सब कुछ श्री राम शरणम से सीखने को मिलना चाहिए। यहां ये सब कुछ सीखने को मिलता है, याद आती है, ये करना है, उसी को श्री राम शरणम कहा जाता है। ऐसी अपेक्षा है स्वामी जी महाराज को ऐसे श्री राम शरणम से। एक आदमी अपने पास सारे कार्य संभाल के रखे, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, उब जाएंगे, ये भी मैं ही करूं, ये भी मैं ही करूं, ये भी मैं ही करूं, इत्यादि इत्यादि। मानो उस साधक ने अभी बांटना नहीं सीखा, लोग बहुत जल्दी उब जाएंगे। और फिर व्यक्ति उब जाता है तो फिर यही होता है, जितनी देर यहां से दूर रहे ठीक है, यहां इसका होना ठीक नहीं, ऐसा प्रभाव उस व्यक्ति का पड़ता है। बांटने की प्रथा साधकों बहुत सुंदर है। जो बांटेगा सुख बांटेगा तो परम सुख को पाएगा, रोटी बांटेगा तो कभी भूखा नहीं रहेगा। आज एक राजा के 100 पुत्र है, अपना उत्तर अधिकारी चुनना चाहता है। 100 में से प्रथा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राजकुमार उत्तर अधिकारी बनना चाहिए, लेकिन ये बात राजा को पसंद नहीं। अतएव किसी संत महात्मा के माध्यम से सोचा कैसे चुनाव किया जाए, उसने कुछ युक्ति बताई। उस युक्ति के अनुसार आज राजा ने घोषणा की, पुत्रों मैं आप सबको भोजन पर आमंत्रित करता हूं, आप सब भोजन करो इकट्ठे बैठ के। दिन आ गया, सब लोग सभी के सभी राजकुमार पंक्ति में बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए। बढ़िया अच्छी थालों में भोजन, जैसे सोने के थाल होते हैं ऐसे ही, जैसी प्रथा है वैसे थाल रखे हुए उनके सामने है। जैसे ही एक ग्रास उठाने की बारी आई, ग्रास उठाया और मुख पर अभी किया नहीं, भीतर राजा साहब ने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, हुक्म दिया शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाए। सब के सब भागकर, किसने खाना खाना था, शिकारी कुत्ते काट दे इत्यादि इत्यादि। डर से बिना खाए भूखे पेट सब के सब भाग गए, एक बैठा रहा। अगले दिन राजा साहब ने सबसे पूछा, भाई मैंने इतना स्वादु भोजन बनाया था, आप लोगों ने किसी ने कोई प्रशंसा नहीं करी, कैसा था भोजन? पिताश्री हमने भोजन खाया ही नहीं, क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं खाया? कहा जब खाने ही न तो शिकारी कुत्ते भागते भागते आ गए, तो हम डर से भाग गए, एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं डाला। एक जो बैठा हुआ था उसे डांटने हुए पूछा, तेरे सारे बड़े भाई भाग गए, तू क्यों नहीं भागा, क्या तुझे अपने जीवन का भय नहीं था? कहा नहीं पिताश्री, क्यों, तूने क्या किया? कहा मैंने इतना ही किया, अनेक सारी धानियां थी, अपना भोजन उनका भोजन जैसे कुत्ते आते थे उनको देता गया। पिताश्री जो दूसरों को खिलाता है वह स्वयं कभी भूखा नहीं रह सकता, जो दूसरों को बांटता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता। सुख बांटोगे तो परम सुख परमात्मा आपको देगा, जो कुछ भी बांटोगे आप परमात्मा आपको संपन्न करता रहेगा। जहां साधक जनों ये त्याग की भावना का संदेश मिले उसी को कहेंगे श्री राम शरण। स्थान ऐसा ही होना चाहिए, मिलजुल के रहना। सर्वजन आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और श्री राम शरण अपने गुरुजनों की तरफ से काठमांडू
निवासी नेपाल निवासियों को सौंपता हूँ समाधि का। दुर्गा नक्सल सब लोग मिलकर इस समाधि का इस स्थान को इस स्थान की साथ संघर्ष आपके हाथ सफाई करनी है, रोज खुलना है, सत्संग का आयोजन, नियमों का पालन, इस कुछ आपके इसमें मेहरबानी करके इस स्थान को खूब संभाल के रक्षिका, खूब जाप पाठ हो, गीता मंत्र के साथ आप लोगों का संबंध इतना घनिष्ठ हो गया है अब कि दोनों को एक कहा जाए तो ये एक्सेजरेशन नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं, ये सत्य है। अब आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित हो गया, गीता जी का ज्ञान गीता मंत्र में, भक्ति की साधना शिरक शर्म में, तो साधु की साधना पूर्ण हो जाएगी, उनके साथ ही पूर्ण सहयोग रखेगा। जो कुछ पढ़ो, जो कुछ गीता जी ने सुनो, उसका क्रियात्मक रूप आपको यहाँ करना है। यहाँ करने की चीज है, वहां सब सुनने की चीज है, पढ़ने की चीज है, यहाँ करने की चीज है। भक्ति की जाती है सब कुछ, ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान तो सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उपार्जित किया जाता है, भक्ति तो की जाती है। इस स्थान भक्ति करने के लिए है और यहाँ पर जाप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भक्ति प्रकाश का पाठ किया जाता है, रामायण जी का पाठ किया जाता है, सब कुछ किया ही जाता है, सब कुछ करना ही करना होता है। अतएव ऐसी चीज का बहुत महत्व है सज्जनों, जाप किया जाता है, खूब डट के करिएगा। आप सबको सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ।